सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइस माइनक्राफ्ट। और गाइस आज हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं अनलिमिटेड आयरन फार्म। और गाइस इस फार्म को बनाना सच में बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। सो गाइस इस फार्म को बनाना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हमें 7 ब्लॉक्स की हाइट तक ऊपर तक जाना है। सो जल्द से जल्द चलते हैं गाइस। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो गाइस हम 7 ब्लॉक्स आने के बाद भाई हमें इसकी किसी भी साइड 2 ब्लॉक्स तक इसे बड़ा करना है और एक टी की शेप है इसे प्रोवाइड करनी है। तो आप स्टोन ब्लॉक यूज करना तो स्टोन ब्लॉक इजीली मिल जाते हैं कहीं पे भी। 4 ब्लॉक फिर हमें इसे आगे तक कंटिन्यू करना है। तो इसके कुछ हैंड टाइप्स में बन जाएंगे और इसे आपस में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर कनेक्ट करने के बाद 5x5 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके बीच वाले एरिया को भाई जल्द से जल्द है वो स्टोन ब्लॉक से फिल करना है। तो मैं सारे एरिया में स्टोन ब्लॉक को फिल करता हूँ अभी जल्द से जल्द। तो गाइज अभी सारे एरिया में जो है स्टोन ब्लॉक्स है उनको मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद गाइज हमें एक ब्लॉक है और यहाँ पर 2 ब्लॉक तक लेना है और यहाँ पर गाइज हमें दोनों में से किसी भी एक साइड है उसे डर्ट ब्लॉक को लगाना है। सो आप जैसे यहाँ पर डर्ट ब्लॉक लगा देने के बाद भाई हमें बाकी इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाना है ऐसे ही जैसे हमने नीचे बनाया था सेम स्टोन ब्लॉक से। तो मैं इसे क्रिएटिव में बना रहा हूँ तो इसे बनाना आसान है। तो भाई आप बार बार नीचे गिर सकते हो तो इसे थोड़ा संभल कर बनाना। और भाई ये आयरन फार्म है वो बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है, मुझे काफी आसान लगा। अगर इससे भी आसान कोई आयरन फार्म आप चाहते हो वीडियो में अगर मैं बताऊं तो वो भी मैं बता दूंगा, आप नीचे कमेंट करके बता देना। तो भाई हमने चारों तरफ वो सर्कल बना दिया है। अभी हमें जो टेम्परेरी डर्ट ब्लॉक लगा था उसे हटाना और यहाँ पर बेड लगाने हैं। तो गाइस हमें बेड ऐसे लगाने कि वो एक ब्लॉक का गैप है वो रहे 5x5 के प्लेटफॉर्म में, तो हमें इसके नीचे नहीं आना। और लास्ट जो बेड है भाई वो हमें कुछ जो हमने जो ब्लॉक तोड़ा था उसकी साइड ही लगाना है। तो गाइस हमने लास्ट बेड भी लगा दिया। इसके बाद भाई हमें डर्ट से यहाँ पर सीढ़ियां बनानी है जिससे जो है विलेजर है वो यहाँ पर आ सके ऊपर। भाई हमें यहाँ पर विलेजर भी लेकर आने हैं आयरन फार्म जिससे काम कर सके। तो भाई जल्द से जल्द मैं डर्ट से ये सीढ़ियाँ कंप्लीट कर देता हूँ। सो गाइस अभी हमारी सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और भाई बोट से मैं दोनों जो है विलेजर्स को लेकर आ चुका हूँ। हमें 2 विलेजर्स की जरूरत होगी, भाई मैंने एक ही बोट में बैठा दिया था। और भाई अभी हमें शाम होने का वेट करना है। तो भाई जैसे ही शाम होगी हम इस बोट को तोड़ देंगे और जैसे ही भाई हम बोट को तोड़ेंगे तो भाई ये विलेजर्स हैं ये ऑटोमेटिकली भाई जाकर ऊपर अपने बेड्स पर जो अगर सो जाएंगे। और हमें भाई फिर भाई हमें यहाँ पर जो हमने एक ब्लॉक को छोड़ा था उसे भी वापस स्टोन ब्लॉक से फिल कर देना है। और भाई इन सीढ़ियों को यहाँ से हटा देना है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी ना चढ़ पाए। उसके बाद भाई हम इन्हें जो है ब्रेड या आप पोटैटो किसी भी चीज़ को खिलाकर भाई इन्हें की जो है रिप्रोडक्शन करवा सकते हो जिससे भाई इनमें से आपस में दिल निकलने लगेंगे और भाई यहाँ पर एक और विलेजर बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपको विलेजर्स की क्वांटिटी बढ़ाकर 5 विलेजर्स यहाँ पर करने हैं। और सो गाइस हमारे पास तीसरा एक छोटा बेबी विलेजर आ चुका है। सो गाइज इसके बाद जो फार्म है वो बनाना हम स्टार्ट करेंगे। सो हमें यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर इसके ऊपर हम एक दूसरा ब्लॉक रखेंगे। दूसरा ब्लॉक रखने के बाद भाई हमें सेम 5x5 का प्लेटफॉर्म है वो तैयार करना है ऊपर। सो गाइज मैं जल्द से जल्द 5x5 का प्लेटफॉर्म है वो तैयार कर लेता हूँ। तो गाइज हमारा 5x5 का प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमें इसके किसी भी एक कोने की साइड जो है ब्लॉक को तोड़ना है और वहां पर चेस्ट लगानी है। चेस्ट लगाने के बाद गाइज उसके ऊपर हमें होपर को लगाना है। और भाई जिस तरीके से मैं होपर लगा रहा हूँ सेम ऐसे ही होपर लगाना, वरना भाई आपका जो आयरन है वो ठीक से कलेक्ट नहीं होगा। तो गाइज ये होपर अगर नहीं लगे तो आप इन्हें बैठ कर लगाना क्योंकि भाई कई बार हम कोई ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो क्राउच होकर लगाएंगे तब वो ब्लॉक आसानी से लग जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद गाइज हमें स्टोन वॉल लेनी है और सभी जगह पर अब स्टोन वॉल का यूज करना है। आप वुडन वॉल यूज मत करना क्योंकि भाई जैसे ही हम यहाँ पर लावा डालेंगे तो वो वुड वॉल है वो जल जाएगी। और भाई इसे चारों तरफ मैं जल्द से जल्द कवर कर देता हूँ, ऐसे सिंगल वॉल की कर देना है पहले। भाई हमने सिंगल वॉल की चारों तरफ से कर दी है। अब जहाँ पर हमने होपर लगाए हैं भाई उन दो साइड पर हमें दो दो जो है वॉल है वो ब्लॉक ऊपर तक लगाने हैं। तो गाइस मैं जल्द से जल्द दोनों साइड कंप्लीट कर देता हूँ। तो भाई ग
गाइज हमने जहाँ पर होपर लगाया था अभी वहाँ पर हमें नेम टैग्स को लगाना है, और नेम टैग्स को गाइज कुछ ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने लगाया है। इसके बाद गाइज हम लावा बकेट को लेंगे, और भाई ये मैंने गलत लगा दिया था, इसे हटा देते हैं। सो हमारा वहाँ पर लावा ऐसे रुक जाएगा, और अभी हमें भाई यहाँ पर डालना है पानी। जैसे ही हम यहाँ पर पानी यार इस ब्लॉक पर डालना है इस पानी को, क्योंकि अगर आपने इस वॉल के ऊपर रखा तो ये पानी भाई सारा नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर भाई आयरन कॉलम ऑन होगा वो पानी की वजह से इस कोने में आएगा और उसका सिर लावा से टकराएगा और वो मरने लगेगा। सो गाइज ये जो मेरा फार्म है इसे काम करने में थोड़ा टाइम लगा, मुझे लगा कि भाई ये फार्म है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन भाई कुछ देर के बाद इसमें आयरन कॉलम स्पॉन हुआ। लेकिन भाई हो सकता है शायद ये आपके में फार्म काम ना करे, क्योंकि भाई बेडरॉक एडिशन में ये फार्म काम नहीं करता है। सो गाइज इसमें आयरन कॉलम को स्पॉन होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और भाई ये फार्म थोड़ा स्लो है। और गाइज अगर आपको फास्ट वर्किंग फार्म चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, मैं फास्ट वर्किंग आयरन फार्म भी बना दूंगा, लेकिन ये फार्म काफी छोटा है और बनाने में काफी ज्यादा इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।